प्रदेश में इन दिनों लगातार खाद की कमी की खबरें समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पन्ना जिले की पवई कृषि उपज मंडी के खाद गोदाम का बताया जा रहा है, जिसमें साइड वाली खिड़की से पैसे लेकर खाद की कालाबाजारी करने के आरोप खाद अधिकारी पर लगाए जा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को जब वायरल वीडियो की पुष्टि करने के लिए टीम पहुंची तो खाद अधिकारी रजनीश शुक्ला ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों और आधार कार्ड लेकर नगद और पंक्तिबद्ध तरीके से खाद वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही एक एकड़ के पट्टे पर एक बोरी डीएपी और एक बोरी यूरिया दी जा रही है। इसके अलावा जिस रेट में जिस कंपनी की खाद आती है उसी के अनुसार उसके पैसे लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने वायरल वीडियो को निराधार बताया। इस बीच किसानों ने भी बताया कि गोदाम में खाद वितरण में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जा रही है, शासन के द्वारा निर्धारित मापदंडों से खाद का वितरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने चस्पा किया है कि महिलाएं भीड़ में नहीं ले सकती हैं, तो महिलाओं को तो शासन द्वारा भी प्रथम प्राथमिकता दी गई है। पुरुषों के बीच में महिलाएं लाइन में नहीं लग पाई, या तो किसी किसान का चिल्लर पैसा रह जाए किसी के 10 रुपये 5 रुपया, और भीड़ में वहाँ तो घुस नहीं सकता क्योंकि वहाँ से किसानों को अपन खाद वितरण करते हैं। मेन गेट में जगह भी कंजेस्टेड है, आप देख रहे हैं। तो अपन किसानों को बोलते थे भैया आप लोगों का जिनका पैसा शेष रह गया है तो खिड़की से आप आवाज़ मार दीजिए, फलाना नाम बता दीजिए, आप पैसे रिटर्न कर दीजिए। या तो महिलाएं आ गई तो महिलाओं को हम बोल देते हैं भैया आप लाइन में मत लगो, खिड़की से आप आवाज़ मार दो कि बोरी चाहिए, कितनी चाहिए, पट्टा दे दो, आधार कार्ड दे दो, आपको खाद उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस अब ये वीडियो वायरल किस हिसाब से हुआ बोलते अपन नहीं समझ सकते हैं। अब इतनी जनता में हम लोग सबको संतुष्ट नहीं कर पाते, फर्टिलाइजर की साल वैसे भी बहुत कमी है, किसान को खाद पर्याप्त मिल रही है और यहाँ कोई चीज़ की जो वेयरहाउस में है खाद माल भी जो भी आता है तो बढ़िया क्रम से लाइन लगा के जो एक एकड़ में 5 बोरी के हिसाब से सबको वितरित किया, एक बोरी और यूरिया 5 एकड़ में 5 बोरी मिल रहा है और सबको क्रम से मिलता जा रहा है। जैसे ही अभी खाद खत्म हो जाएगी फिर आएगी तो फिर लाइन लग के मिल जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। पबई में तो अभी आई नहीं है।